हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आई एम मनी फैमिली में बहुत सारे नए फैमिली मेम्बर जुड़ रहे हैं, उन सभी का वेलकम। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए, मैं और आप सभी मिलकर कारमा बनाएंगे। मैं ऐसे ही रोज़ आप लोगों के लिए नई नई मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। कल आप लोगों ने 8वां एपिसोड देखा होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैं फिर से 9वें एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ वापस आ गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों के दिल में, मन में और दिमाग में नई उमंग और जोश पैदा करेगी। तो चलिए, बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ये वीडियो विवेकानंद जी के बारे में है। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपने जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे उस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत दूर तक जाने के बाद, बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद, जब वो युवक आश्रम में वापस पहुंचा तो विवेकानंद जी ने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हांफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना थक कैसे गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है। परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, उसको किसी चीज़ को पाने की चाहत है, तो आप भी वही बनना चाहने लगते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो बैठते हैं, हम अपने रुचि को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि हम उसमें परफेक्ट नहीं थे। ईश्वर ने हमें जो प्रतिभा प्रदान की थी, हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर पाए और दूसरे काम को करने में लग गए। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो न करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।